फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के पार पहुँच चुके हैं। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल के दाम $95 के पार गए थे। जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर सकती है। मौजूदा समय में पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने से तेल कंपनियां लंबी चपट लग सकती है, लिहाजा मार्जिन बनाए रखने के लिए तेल कंपनियां 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ा सकते हैं। दरअसल 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल थे, जो अब $95 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गए हैं। यानी 2.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में 37% की तेजी आ चुकी है। एक्सपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही ये $100 के पार भी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देता है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल अगर $1 प्रति बैरल महंगा होता है तो घरेलू बाजार में दाम 45 से 47 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ जाते हैं। लेकिन विदेशी बाजारों में कच्चे तेल में तेज़ी के बावजूद घरेलू बाजार में दिवाली के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। बता दें कि सरकार भले ही पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने में अपनी भूमिका से इनकार करती हो, लेकिन बीते सालों में देखा गया है कि चुनाव के दौरान सरकार जनता को खुश करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है। पिछले सालों का ट्रेंड बता रहे हैं कि चुनावी मौसम में जनता को पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।